कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने नेताओं से कहा कि कांग्रेस के 400 साथियों के साथ हम उदयपुर में मिलेंगे। उदयपुर में पार्टी की डिजिटल सदस्यता अभियान का प्रस्ताव, चुनौतियों से लड़ने के लिए बदलाव की शुरुआत होगी। ये बात सोनिया गांधी ने बैठक में कही है। ये कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, ये बात सोनिया गांधी ने कही है। 15 मई को नव संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ये बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने नेताओं से कही है। में मुख्य रूप से तो जो है एक वो डिजिटल मेंबरशिप को अप्रूवल दिया, क्योंकि अभी तक जो पार्टी संविधान में सिर्फ कागज पे जो फॉर्म था उस पर मेंबरशिप का था, तो डिजिटल मेंबरशिप काफ़ी तेजी से हो रही है, जगह जगह राज्यों में तो उसको अप्रूवल दिया है। और इसके अलावा आह्वान किया है कांग्रेस अध्यक्ष ने, सबको मिलजुल के एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। 6 ग्रुप जो बने हैं जिनके कन्वीनर्स ने जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक हैं और किसानों के लिए और इसके अलावा जो है वो युवाओं उन सब के लिए और सामाजिक न्याय के लिए जो ग्रुप बने हैं, उन्होंने अपने अपने कन्वीनर से रखे कि क्या क्या सुझाव। अब इन सुझावों पर 2 दिन चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद एक ड्राफ्ट बनेगा जो कांग्रेस प्रेसिडेंट को सौंपा जाएगा और वो ड्राफ्ट जो है फिर कांग्रेस जो है उस पर निर्णय लेगी। कांग्रेस अध्यक्ष वहाँ पर भाषण होगा। कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। कांग्रेस के 400 साथियों के साथ हम उदयपुर में मिलेंगे, ये बात सोनिया गांधी ने कही है। उदयपुर में पार्टी की डिजिटल सदस्यता अभियान का प्रस्ताव और चुनौतियों से लड़ने के लिए बदलाव की शुरुआत होगी, ये बात सोनिया गांधी ने कही है। ये कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का समय है, ये बात सोनिया गांधी ने बैठक में कही है। और करेंगे News24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी का, संजीव कैसे समझे इस बैठक के मायने, किन बातों का जिक्र सोनिया गांधी ने बैठक में किया? देखिए, सोनिया गांधी की मौजूदगी अपने आप में बहुत अहम इस बैठक के दौरान रही और उन्होंने तमाम जो बातें कही उनमें एक अहम बात ये भी कही कि क्रिटिसिज्म को और ख़ास तौर पर अपने लोगों के द्वारा की जा रही क्रिटिसिज्म को नेगेटिव तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, ऐसे में जबकि G23 या फिर तमाम दूसरे नेता जो कि आज की तारीख में नाराज़ चल रहे हैं, वो समय समय पर अपनी बातें कह रहे हैं या फिर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये बैठक, ये चिंतन शिविर जिसका नाम नव संकल्प चिंतन शिविर है, 13, 14 और 15 तारीख को उदयपुर में होना है और उसमें चर्चा में क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा, इस बारे में आज सोनिया गांधी ने बैठक किया। 6 समितियां बनाई गई थी और उनसे कहा गया था कि आप उन प्रस्तावों को तैयार कीजिए जो कि उदयपुर में हम एजेंडे के तौर पर चर्चा करेंगे और उन्हीं समितियों की रिपोर्ट पर आज चर्चा हुई और इन प्रस्तावों को ड्राफ्ट करने के लिए सीनियर नेता लगाए गए थे, जैसे कि चिदम्बरम जो कि आर्थिक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, राजनीतिक प्रस्ताव खरगे साहब ने बनाया था, इसके अलावा इसी तरह से कुछ यूथ के लिए, कुछ सोशल एम्पावरमेंट के लिए, ट्राइबल्स के लिए और साथ ही साथ जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं और इन्फ्लेशन महंगाई के को लेकर के, ये तमाम प्रस्ताव आज सामने रखे गए सोनिया गांधी के और उन्होंने फाइनलाइज किया है जिस पर अब चर्चा होनी जा रही है। देखिए, एक नव संकल्प लिया जाएगा 15 तारीख को इस शिविर का, वो कह लें कि एक तरह से समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा उसको दर्शाने की कोशिश, ये बात कहा सोनिया गांधी ने और कहा कि ये जो नव संकल्प होगा ये हमें आने वाले दिनों के लिए तैयार करेगा। मिशन 2024 का एक खाका तैयार किया जा रहा है और उसी खाके ऊपर चर्चा होगी और नेतृत्व सजग हो गया है, आने वाले दिनों में जबरदस्त तरीके से मैदान में दिखेंगे कांग्रेसी, ये बताने की कोशिश। और इस मौके पर तमाम नेता मौजूद थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। बहुत शुक्रिया सुनील त्रिवेदी, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो तमाम बड़ी बैठकों के बीच में सीएमसी की बड़ी बैठक आज कांग्रेस की यहां पर हुई, इसमें कई विषयों को लेकर बातचीत भी हुई है।